दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये पेन ड्राइव, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये मैं जूम करके बताता हूँ आपको, ये जो पेन ड्राइव लगाई हुई है मैंने यहाँ पर पीडी करके, एक 16 GB की पेन ड्राइव है। अब अधिकतर अगर आप नॉर्मली पेन ड्राइव लगाते हैं तो एक ही ड्राइव आती है, यानी कि सिर्फ एक, ये एफ जो मेरे लिए एफ है, आपके लिए मे भी हो सकता है ई आर कुछ भी हो, बट जब भी आप पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं तो एक ही आती है। जैसे कि हमारी एक हार्ड ड्राइव रहती है बट उसमें पार्टीशन हम डी कर सकते हैं, ई कर सकते हैं, एफ कर सकते हैं, उसी तरह से हम पेन ड्राइव में भी पार्टीशन कर सकते हैं। आपने शायद पहली बार सुना होगा मैं भी, जैसे कि ये 16 GB की एक पेन ड्राइव है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, मिलती तो हमें 16 की रहती है ये, बट मिलती है हमें 14.5 या 15 GB मिलती है, तो 14.5 मिलती है, तो अब हम इसको 7 GB के दो भी ड्राइव कर सकते हैं यहाँ पर। ये आपने बिल्कुल सही सुना, आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वही मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों ये जो काम है मैं आपको बता रहा हूँ, ये करने के लिए आपकी पेन ड्राइव पूरी खाली होनी चाहिए, यानी कि अगर इस पेन ड्राइव में कुछ भी हुआ तो वो डेटा चले जाएगा, नहीं डेटा कुछ भी नहीं होना चाहिए, पेन ड्राइव पूरी खाली होनी चाहिए तभी आप कर सकते हैं। फिर चाहे एक बार पार्टीशन बनाने के बाद आप कितना भी डेटा डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पेन ड्राइव को, पेन ड्राइव खराब नहीं होगी, पेन ड्राइव एकदम बढ़िया से चलेगी, है ना। तो आप एक या दो या तीन पार्टीशन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मैं रिकमेंड करूँगा दो से ज़्यादा मत बनाइए, दो इनफ है। अगर आपके पास बड़ी पेन ड्राइव यानी कि 128 GB की है तो फिर आप तीन या चार बना सकते हैं, बट अगर 16 GB की है, 32 GB की है तो दो इनफ है, दो से ज़्यादा मत बनाइए, ठीक है। और पेन ड्राइव खाली होनी चाहिए सबसे पहली बात, क्योंकि डेटा सारा चले जाएगा, हमें इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पार्टीशन बनाने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मेरी जो पेन ड्राइव है पीडी नाम से है, एफ नाम से इसकी ड्राइव है पीडी, और एक सिंगल है और पूरी खाली है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, पार्टीशन बनाने के लिए आपको जाना है सर्च में, यहाँ पे लिखना है मैनेज डिस्क, डिस्क मैनेज लिखना है, डिस्क DISK डिस्क मैनेज लिखना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, अगर आप विंडोज़ 10 में हैं तो एक ऑप्शन आएगा आपके पास क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन, ठीक है। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। अगर आप विंडोज़ 7 है आपके पास तो वहाँ पे भी डिस्क मैनेजमेंट करके एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं आएगा क्रिएट एंड फॉर्मेट, वहाँ पे आएगा डिस्क मैनेजमेंट। अगर आप उसको ओपन करेंगे तो दोनों सेम ही रहेंगे वो, अगर विंडोज़ 10 भी है तो भी इसी तरह से ओपन होगा, विंडोज़ 7 भी है तो भी इसी तरह से ओपन होगा, जैसे ये एक विंडो ओपन हुई है, जैसे कि देख पा रहे हैं आप, ये इस तरह से ओपन हुई है ये विंडो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग ड्राइव्स वगैरह जितनी भी ड्राइव है आपके सिस्टम में लगी हुई है वो सारी मिलेगी। SSD होगी तो SSD, नॉर्मल हार्ड ड्राइव होगी तो वो, तो मेरी यहाँ पर एक SSD लगी है जो कि 0 है, और एक डिस्क लगी है जो कि 1 है, जो कि नॉर्मली मेरी हार्ड ड्राइव है, और एक SSD है। अब नीचे मैं देखूँ तो यहाँ पर एक पेन ड्राइव भी लगी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिस्क 2। तो यहाँ पर मैं जूम आउट करके बताता हूँ, तो तीन डिस्क लगी है मेरे इसमें, डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2। तो ये 1 से शुरू नहीं होती है, डिस्क 0 से शुरू होती है। तो एक SSD हो गई, एक हार्ड ड्राइव हो गई, और एक पेन ड्राइव हो गई। तो जितनी भी आप अलग अलग पेन ड्राइव लगाएंगे या फिर कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाएंगे तो वो ये इसी तरह से यहाँ पर जो है शो होगी। तो जो हमें जो भी काम करना है वो डिस्क 2 में, यानी कि जो पेन ड्राइव लगी है उसी में करना है, ये बात ध्यान रखिए, उसी में करना है, ठीक है। अब सबसे पहले नॉर्मली हमारी पेन ड्राइव क्या होती है, NTFS में फॉर्मेट नहीं होती, या फॉर्मेटिंग देख रहे हैं, फाइल सिस्टम जो होता है वो फाइल सिस्टम यहाँ पे NTFS नहीं होता है पेन ड्राइव का, वो होता है FAT32। तो FAT32 से सबसे पहले NTFS में करना पड़ेगा। अगर आप NTFS नहीं करेंगे तो राइट क्लिक करके जो श्रिंक का ऑप्शन आता है, ये श्रिंक वॉल्यूम का अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके इसमें, तो समझ लीजिए आपकी जो पेन ड्राइव है वो FAT32 में फॉर्मेट है, या फिर कोई डिस्क ड्राइव भी कर रहे हैं तो भी वो FAT32 में जो है वो फॉर्मेटेड है। तो सबसे पहले हम इसको फॉर्मेट हमें इसलिए करना है ताकि हम इसको NTFS में फॉर्मेट कर पाएँ। अब NTFS में फॉर्मेट कैसे होगी, उसका एक ऑप्शन है, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फॉर्मेट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मांगेगा आपसे, इस तरह के ऑप्शन आएंगे आपके पास, फॉर्मेट F जो ड्राइव है वो, और यहाँ पर इस तरह के काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन आएंगे, वॉल्यूम, तो उस पर कुछ भी नहीं करना है। फाइल सिस्टम ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, फाइल सिस्टम यहाँ पे FAT32 होगा, ये देखिए ये FAT32 इस तरह से सिलेक्ट होगा, तो इसको करना है सिलेक्ट करके NTFS में क्लिक करना है, ठीक है। FAT32 को NTFS पे क्लिक करना है, और हमेशा आप ध्यान रखिए परफॉर्म ए क्विक फॉर्मेट पे क्लिक होना चाहिए, परफॉर्म ए क्विक फॉर्मेट पे क्लिक होना ही चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि बहुत टाइम लग जाएगा फॉर्मेट करने में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज फाइल सिस्टम नेम जो है NTFS सिलेक्ट कर लो, अलोकेशन यूनिट्स डिफॉल्ट रखो, कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ये डिफॉल्ट रखो, परफॉर्म ए क्विक फॉर्मेट पे क्लिक करो, टिक होना चाहिए, और ओके कर दो, ठीक है। ओके करने के बाद ये पूछेगा कि सारा डेटा डिलीट हो जाएगा पेन ड्राइव में से, तो हाँ मैंने आपको पहले बता दिया था कि पेन ड्राइव खाली होनी चाहिए, तो हम सारा डेटा डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग चल रही है पेन ड्राइव की, जैसे फॉर्मेट होगी
आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ, ठीक है। पेन ड्राइव हमारी फॉर्मेट हो चुकी है जैसे कि आपने देखा, और अगर एक बार आप NTFS में फॉर्मेट कर दोगे तो इस तरह से यहाँ पे NTFS लिखा आने लग जाएगा। इसके आगे अगर NTFS नहीं आता है तो फिर आप उस पेन ड्राइव का पार्टीशन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। बट नॉर्मली सभी पेन ड्राइव में आप NTFS से फॉर्मेट कर सकते हैं उनको। NTFS में फॉर्मेट करने का एक और फायदा ये भी है कि आप 4 GB से ज़्यादा की जो है फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपकी पेन ड्राइव में, ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि कैसे इसका जो है पार्टीशन बनाएंगे। अभी आप देख रहे हैं डिस्क 2 जो है हमारी रिमूवेबल डिस्क है जो कि 14 GB की है, मतलब कि 16 GB की पेन ड्राइव है। अब इसमें एक ही पार्टीशन है F, यहाँ पर कोई दूसरा पार्टीशन नहीं है। जैसे कि यहाँ पर डिस्क 1 जो है लगी है उसमें D है, R है, P है, ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अदर पार्टीशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पार्टीशन क्रिएट करेंगे। पार्टीशन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करिए, श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक करिए, ठीक है। श्रिंक वॉल्यूम पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक अलग से आपके एक विंडो ओपन हो जाएगी इस तरह की कुछ। तो यहाँ पर आपको अमाउंट स्पेस चाहिए, आपको कितने का पार्टीशन बनाना है। तो मेरे हिसाब से तो आधा आधा अगर हम बना लेंगे, यानी कि 14 GB है, 15 GB समथिंग है, तो हम फॉर एग्जांपल लेट से सपोज लेके चल रहे हैं कि हमारे पास 14 GB है, तो 7 GB के हम कर लेते हैं। तो ये जो 11 GB लिखा है यहाँ पर, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 7, ठीक है। तो 7.8 GB का एक पार्टीशन हो जाएगा और 7.1 GB का एक पार्टीशन हो जाएगा। अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इतना हमने कैलकुलेशन कर लिया है यहाँ पर। अब वो आपको ध्यान रखना है, ये कैलकुलेट पूरा करना है कि कितना होगा MB में और वो सब, क्योंकि मैंने यहाँ पे 11 हटा के 7 लिख दिया है, तो 11 GB था वो, तो मैंने हटा के उसको 7 कर दिया है, तो 7 GB का हो गया है वो। अब इतना करने के बाद आपको श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करना है, यानी कि श्रिंक जो आ रहा है इस पे क्लिक करना है। जैसे आप श्रिंक पे क्लिक करेंगे, ये एक जो हमारे पार्टीशन है वो एक अलग हो जाएगा और एक अनलोकेटेड पार्टीशन बन जाएगा 7 GB का। तो ये 6.9 GB का एक NTFS पार्टीशन हो गया है। अगर हम देखें अब जाके हमारी पेन ड्राइव में यहाँ पर, तो ये देखिए अभी जो हमारी पेन ड्राइव, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए अभी जो हमारी पेन ड्राइव जो 14 GB की थी, ये देखिए यहाँ पर जो 14 GB की थी वो हो गई है 6.91 GB की, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे यार दूसरा पार्टीशन तो दिख नहीं रहा कहाँ गया, वो भी दिखेगा क्योंकि हमें उसको शो करना पड़ेगा। अभी हमने शो नहीं किया है उसको, अभी वो अनअलोकेटेड है, ठीक है। उसको अलॉट करना पड़ेगी, हमें जो ड्राइव है वो अलॉट करना पड़ेगी क्योंकि अलोकेटेड नहीं है ड्राइव अभी उसको, तो ड्राइव अलोकेट करते हैं। अब इसको सिलेक्ट नहीं करना है, जो F पार्टीशन है उसको सिलेक्ट नहीं करना है। अब हमारे पास जो अनअलोकेटेड जो पार्टीशन है उसको सिलेक्ट करना है। राइट क्लिक करेंगे, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, अलोकेट करने के लिए न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास एक विंडो ओपन होगी ये वाली जो सिंपल वॉल्यूम क्रिएट करती है, ये पढ़ लेना है, अगर नहीं भी पढ़ो तो भी चलेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो पूरा वॉल्यूम है वही आपको रखना है, यहाँ पे कुछ अलग से गणित लगाने की जरूरत नहीं है, जो है एज इट इज रहने दो। नेक्स्ट पे क्लिक करो, अब आपको जो भी उसको ड्राइव लेटर देना है, EF जो भी देना है वो दे सकते हैं, बट जो बाय डिफॉल्ट आता है, जो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो आप सिलेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ई मैंने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मेरे पास ई का एक भी पार्टीशन, एक भी ड्राइव नहीं है, मैंने ई सिलेक्ट किया। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, अब ये पूछेगा कि आपको क्या करना है, फॉर्मेट करना है या नहीं करना है। तो मेरे हिसाब से तो फॉर्मेट करना ही है, ठीक है। फॉर्मेट दिस वॉल्यूम विद द फॉलोइंग सेटिंग, तो आपको फॉलोइंग सेटिंग पे ही क्लिक करना है और यहाँ पर NTFS पे क्लिक करना है, और वॉल्यूम जो नाम है उसको नाम क्या दे देंगे हम यहाँ पे, PD, जो PD तो ऑलरेडी था, PD2 करके दे दूंगा मैं, ठीक है। और परफॉर्म एक क्विक फॉर्मेट पे क्लिक ज़रूर करना है, ठीक है। बाकी वही फॉर्मेट की जो नॉर्मल जो सेटिंग होती है वो रखना है। NTFS डिफॉल्ट PD2 जो नाम दिया था हमने पहली वाली जो पेनड्राइव का जो पार्टीशन था वो PD हो गया। अब जो हमारी दूसरी पार्टीशन होगी वो PD2 हो गया, परफॉर्म ए क्विक फॉर्मेट, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये सब कुछ बताएगा आपको कि इस तरह से आपने सेटिंग करी है, क्या फॉर्मेट कर दूँ। फिनिश पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फॉर्मेट हो जाएगा और हमारा न्यू पार्टीशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए फॉर्मेट हो गया, हमारा न्यू पार्टीशन क्रिएट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक तो PD आ गया और एक USB ड्राइव आ गया। इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये PD जो है मैंने नाम दिया था उसको नाम नहीं आ रहा, हालांकि अभी यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे डिस्क मैनेजमेंट में तो यहाँ पर वही नाम आएगा जो हमने नाम दिया था, F वाला, PD F और PD2E। देखिए यहाँ पर इसका ये पार्टीशन है इतना और ये पार्टीशन इतना इसका है, और ये पेन ड्राइव का ही है, एक ही पेन ड्राइव का है, ये कोई अलग अलग पेन ड्राइव नहीं है। यहाँ पर देखिए ये डिस्क 2 है हमारी जो कि पूरी टोटल है 14 GB की। हमने इसमें क्या किया, दो पार्टीशन क्रिएट कर लिए, एक PD नाम से 6.9 GB का और एक PD2 नाम से 7.6 GB का। अभी आपके हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हैं कितना क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है कि यार आपको अब पार्टीशन क्रिएट नहीं करना है। जैसे कि देख पा रहे हैं ये पार्टीशन हो गए हमारे यहाँ पे क्रिएट। अब मान लो आपको आपका काम हो गया, पार्टीशन नहीं क्रिएट करना है आपको अब एक ही रखना है पार्टीशन, वो भी पूरा 14 GB का एक ही रखना है। तो अब क्या करना है,
अगेन मैं यहाँ पे बता दूँ, जो भी डेटा है वो किसी दूसरी ड्राइव में या फिर कंप्यूटर में बैकअप ले लीजिए आप उसका, क्योंकि सारा डेटा चले जाएगा अगर आप पार्टीशन डिलीट भी करना चाहते हैं तो। ठीक है, सारा डेटा चले जाएगा, पहले ही बोल दूँ आपको। और बनाने टाइम भी चले जाता है, और जो हटाते टाइम, जो हम एक करना चाहते हैं, पूरी एक पेन ड्राइव बनाना चाहते हैं 14 GB की या 15 GB की एक बनाना चाहते हैं, तब भी डेटा चले जाएगा। तो सारा डेटा बनाने से पहले भी आपको बैकअप लेना है, बनाने के बाद अगर आपका काम हो गया है, दो पार्टीशन अगर आपको नहीं चाहिए तब भी आपको बैकअप लेना है दोनों पार्टीशन का। ठीक है, दोनों पार्टीशन का खाली होना चाहिए, या फिर आपका जो पेन ड्राइव है वो अगर कुछ डेटा रखा है तो उसका बैकअप ले लीजिए, क्योंकि दोनों पार्टीशन डिलीट हो जाएंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ, डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है राइट क्लिक करना है इस पर, जैसे दो पार्टीशन है आपको डिलीट करना है, आपको एक ही बनाना है 14 GB का, राइट क्लिक करना है, डिलीट वॉल्यूम पर क्लिक करना है। डिलीट वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे, येस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर राइट क्लिक करना है, इस पर भी डिलीट वॉल्यूम पर क्लिक करना है। ये डिलीट वॉल्यूम पर क्लिक किया, ये डिलीट हो गया। अब हमारे पास अनलोकेटेड बच गया कितना, 14.959। ये जो हमारी पूरी पेन ड्राइव की स्पेस है वो अनलोकेटेड हो गई है। ठीक है, अब हम इस पर क्या करेंगे, अब देखिए अगर आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर मैं क्लिक करूँ और देखूँ तो ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। ये देखिए ये पेन ड्राइव हमारी अभी ख़राब है, अभी कुछ नहीं करना है इसको। ठीक है, अभी हमें डिस्क यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में ही रहना है, ये डिस्क मैनेजमेंट है। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये अनअलोकेटेड है तो इसको अलोकेटेड कर देंगे हम, ड्राइव अलोकेट कर देंगे इसको। न्यू सैम्पल वॉल्यूम, सेम प्रोसेस है, न्यू सैम्पल वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे राइट क्लिक करके, और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। पूरा हमको देना है, पूरा एक ही चाहिए, 14.9 GB का हमको पूरा एक ही पार्टीशन चाहिए। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इसको ड्राइव जो भी ड्राइव आपको देना है ई वगैरह वो दे दिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपकी मर्जी है कि आपको FAT32 करना है या NTFS करना है। मेरे हिसाब से तो पेन ड्राइव है तो FAT32 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट NTFS भी कर सकते हैं। मैं NTFS कर देता हूँ, और यहाँ पर न्यू वॉल्यूम जो भी आपको नाम देना है वो दे सकते हैं। परफॉर्म ए क्विक पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिनिश पे क्लिक करना है, और ये हमारी पेन ड्राइव एक ही बन गई फिर से। तो दोनों प्रोसेस मैंने बता दी है पूरी, और ये हमारी पेन ड्राइव यहाँ पर आ गई है। देखिए ये हमारी पेन ड्राइव बन के आ गई है, और ये USB ड्राइव पूरी 1 GB पूरी एक ही हो गई है, एक ही पार्टीशन हो गई है ई। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है पार्टीशन भी कर सकते हैं पेन ड्राइव का दो, और पार्टीशन को हटा भी सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस मैंने यहाँ पे पूरी बता दी है, और सेम यही तरीका है अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल ड्राइव भी है, या फिर कोई एक ड्राइव का ऊपर पार्टीशन भी करना है। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होता है, उसको फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं बताऊंगा आपको, वो अलग तरीका है थोड़ा सा एक। तो जो डिस्क ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव या फिर आपके इंटरनल ड्राइव, उनको अगर फॉर्मेट करना है या फिर उनके पार्टीशन बनाना है, थोड़ा सा कुछ अलग है, बाकी पूरी प्रोसेस तो सेम है बट थोड़ा अलग है। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में। पेन ड्राइव के साथ आप इसी तरह से पार्टीशन बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं, जरूर से उसका रिप्लाई करूंगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।